हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता और ये मेरे हस्बैंड विशाल जी। इन्हों थोड़े मतलब नियर अबाउट 1 ईयर पहला गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई सी, गॉल स्टोन की काफ़ी ज़्यादा सवीयर प्रॉब्लम हो गई सी। फिर उस तो बाद असी ये अपने स्कूल दे ही किसी सैमिनार ते गए बिकॉज ही इज़ अ टीचर, तो उत्थे उन्होंने इन्हों एक फ्रेंड मिलया। उन्होंने डॉक्टर अमित सूद बारे सानू दस्या ते असी इन्हों विजिट किया। विजिट करन ते सानू मतलब बहुत अच्छी इन्हां दी लगी, सारा नेचर वाइज कह लो, कन्विंसिंग पार कह लो, एवरीवन इज़ फैंटास्टिक यू कैन से। तो पहला तो असी सिर्फ गॉल ब्लडर दे रिमूवल वास्ते आए सी, बट इत्थे आके सानू जो लग्या कि वेट सी इन्हां दा नियर अबाउट 120 kg सीगा, तो असी सोचा कि चलो गॉल ब्लैडर तो रिमूव होना ही है, नाल असी ए भी बैरियाट्रिक सर्जरी भी करवा ली, क्योंकि सर ने सानू श्योर किया कि यू कैन गो थ्रू बोथ ऑफ द सर्जरीज, मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। तो इन्हों का गॉल ब्लैडर के नाल नाल बैरियाट्रिक सर्जरी भी असी मतलब प्रैफर की। उस तो बाद इन्हों उस दिन बिठा देंगे ने, वॉक करवा देंगे ने, फिर उस तो बाद लिक्विड डाइट स्टार्ट कर हो जाती है, थर्ड डे ऑलमोस्ट छुट्टी भी मिल जाती है। मोटापा जिमें इन्हों स्टार्टअप हो गया सी, जिमें तुहानू मैं दस्या कि 120 kg वेट सीगा, ते दसन गए कि प्रॉब्लम्स इन्हों आ रही सीगियां। मेरी बैक पेन बहुत बद गई सी, मणकियां च कैप आ गया सी, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बद गई सी मेरी, इस तरह सिर ते स्ट्रेस जिहड़ा सीगा बहुत ज़्यादा सी मोटापे करके, और मैं कोई काम भी नहीं कर पाता सीगा। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा सी लेकिन मेरे तो होंदा ही नहीं सी, इवन मेरी जॉब भी अफेक्ट हो रही सी, इस करके मैं बार बार छुट्टी लेनी पैंदी सीगी। पर हुण ऑपरेट तो बाद मैं वो चीज़ा जिहड़ी हैं प्रॉब्लम्स लाइट हो गई हैं, काफ़ी कट गई हैं, अज मैं रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। मेरा वेट 120 दे राउंड अबाउट सीगा, अज मेरा वेट 64.5 है। मैनू फायदा होया, उस तो बाद अपनी मिसिज नूं भी कहा, उन्होंने फिर ऑपरेट करवाया। मेरा वेट भी 100 सीगा, 100 दे राउंड अबाउट सीगा सी। मतलब प्रॉब्लम्स तो देखो मोटापे नाल शुरू हो ही जांदियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ी जी शुरू हो गई सी, मतलब इस तरह लैग दे उत्ते लैग क्रॉस लैग नहीं मैं बैठ सकती सी, मेरे नीज प्रॉब्लम होने लग जाती सी, या स्टैप्स चढ़ना आपां कंफर्टेबली स्टैप्स नहीं चढ़ सकते सी, किचन च थोड़ी देर ज़्यादा काम कर लिया तो मैनू बच्चों नूं कहना कहिंदा पिया सी बेटा मेरियां लत्तां घुट दो, या मतलब थोड़ियां बहुत प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गई सी। तो इन्हों का रिजल्ट देख के फिर मैं भी लगे कि मैं भी करवा लेना चाहिए, बट मैं जे अपनी भी गल करा टीम की गल करा तो इन्हों के नाल तो मैं आई सी, इन्हों का दिवाली तो नैक्सट डे ऑपरेट सीगा, तो मेरा मैं करवाया सी दिसंबर से क्रिसमस डे वाले दिन। तो उस दिन जे आप गल करिए मैं मतलब अकेली आई सी बिकॉज इन्हों का होया सी, इन्हों तो बाद मेरे फादर इन लॉ का भी इतों ही ऑपरेट होया सी, किडनी स्टोन उन्होंने दोनों किडनी स्टोन किडनी स्टोन, तो घरों नहीं कोई आ सकता सी, तो मैं सर पहले ही कहा कि सर मैं कल्ली ही आऊँगी तो कल्ली ही करवा सकती है, बट उन्होंने मैंने इन्ना श्योर किया कि श्वेता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, तो लिटरली किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैनू, मतलब उन्होंने हर टाइम लिए एक नर्स अरेंज करती, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, इन्हों के जो न्यूट्रिशनिस्ट मैम ने जिन्नी भी टीम है एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो सर की गल करिए तो सर तो है ही फैंटास्टिक, मतलब नंबर 1 डॉक्टर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलया, मतलब मैनू भी 1 ईयर हो गया, तो ऑलमोस्ट अज की डेट मेरा 75 है, तो मेरे हसबेंड का तो होर भी ज़्यादा, दे गोट 64 नाओ, तो बहुत खुश हैं असी। तो लास्ट तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जड़ा भी कोई मतलब मोटापे को लेकर परेशान हैगा, सच्ची सोचन की कोई लोड़ नहीं हैगी, यू मस्ट गो थ्रू बैरियाट्रिक सर्जरी, सर दे कोल आओगे सर तो आप ही इन्ना कुछ ज़्यादा वधिया मतलब डील करेंगे कि तुहाडा आपे ही दिल करेगा कि असी होर किसी डॉक्टर को तुहानू विजिट करन दी लोड़ ही नहीं पई। थैंक्स अ लॉट।